बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईने कराम। मुग़ल एम्पायर की सीरियल में हमने अपनी पिछली वीडियो में तीसरे मुग़ल हुक्मरान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जिक्र किया था, लिहाजा हमारी आज की वीडियो भी पिछली वीडियो से जुड़ी हुई है। आज की वीडियो में हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बेटे शहजादा सलीम नूरुद्दीन जहांगीर के मुतालिक बात करेंगे। नूरुद्दीन जहांगीर 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी के मकाम पर पैदा हुए, जबकि इनकी वफात 28 अक्टूबर 1627 को राजौरी में हुई। नूरुद्दीन जहांगीर चौथे मुग़ल हुक्मरान थे, जबकि इनकी बादशाहत का दौर 3 नवंबर 1605 ता 28 अक्टूबर 1627 तक रहा। शहंशाह अकबर भी औलाद था। अबुल फजल के मशवरे से एक बुज़ुर्ग शेख सलीम चिश्ती से दुआ की गुजारिश की तो उन्होंने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारी आरजू पूरी करे, तुम्हें 3 बेटों से नवाजे। 30 अगस्त 1569 में जयपुर की राजपूत राजकुमारी जोधाबाई और मरियम जमानी के यहाँ उसकी पैदाइश हुई। बुज़ुर्ग के नाम पर ही सलीम नाम रखा गया। अकबर उसे प्यार से शेखु बाबा कहा करता था। अकबर ने खुशी में खजानों के मुंह खोल दिए, कैदी रिहा किए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर पैदल हाजिरी से अपनी मन्नत पूरी की। उसके बाद 2 और बेटे मुराद और दानियाल पैदा हुए। शहंशाह अकबर को अपने अनपढ़ होने के नुकसान का बखूबी अंदाज़ा था, इसीलिए बेटों की तालीम का उम्दा बंदोबस्त किया। काबिल तरीन असातिज़ा ने अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत, रियाजी, जग्राफिया, मौसीकी और तारीख की तालीम दी। शहजादा सलीम ज़हीन था, जल्द ही उमूर सल्तनत में भी दिलचस्पी लेने लगा। 9 साल की उम्र में 10,000 प्यादा फौज का मनसबदार बना और अलाहाबाद की जागीर का मालिक भी बना। जलालुद्दीन अकबर के 3 बेटे सलीम, मुराद और दानियाल कसरत से शराब नोशी करते थे। अकबर ने इस आदत से न रोक सका और ऐन शबाब में शहजादा मुराद और शहजादा दानियाल कसरत शराब नोशी से जान से गए। लेकिन शहजादा सलीम ने फिर भी अपनी आदत न बदली और 2 दफ़ा कशीद की हुई शराब के 1 दिन में 20 प्याले पी जाता। उसकी ये हालत हो गई कि आखिरी उम्र में खुद शराब का प्याला मुंह तक न ले जा सकता था। शहजादा सलीम रंगीन मिजाज था, ऐशो इशरत और रंगरलियाँ मनाने का आदि था। उसने मुतअद्दिद निकाह भी किए, कई खुफिया और कई मंजरे आम पर आए। उसकी पहली शादी 16 साल की उम्र में राजा भगवान दास वालिये अंबर की बेटी मानबाई उर्फ शाह बेगम से हिंदू और मुस्लिम दोनों तरीकों से हुई। 17 साल की उम्र में दूसरी शादी राजा ओदे सिंह की बेटी से हुई। तीसरी शादी ईरानी रईस ख्वाजा हुसैन की बेटी से हुई। चौथी शादी राजा गैसुदास की बेटी से हुई, जबकि 5वीं शादी अपने उस्ताद कायम खान अरम की बेटी से की। उसकी 6वीं शादी तख्त नशीनी के बाद मेहरुन्निसा बेगम उर्फ नूर जहां से हुई। सामईने कराम, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सामईने कराम, रियलिटी एट इन्फो पर आपको हर तरह की तारीखी, साइंसी और इस्लामी मालूमात फराहम की जाएंगी। शहजादा सलीम को अपने बाप अकबर से ये शिकायत थी कि उसे वलीयत के शायान शान इज्जत नहीं दी गई। उसे खदशा था कि शहंशाह अकबर उसकी बजाय अपने पोते यानी सलीम के बेटे खुसरू को वलीयत बनाना चाहता है। उसके बागियाना रवैयों से तंग आकर शहंशाह अकबर ने उसे गिरफ्तार करने के लिए अबुल फजल को भेजा, जिसे शहजादा सलीम ने कत्ल कर दिया। नतीजतन अकबर ने अपने पोते खुसरू को जानशी मुकरर कर दिया। लेकिन फिर शहजादा सलीम ने सौतेली माँ सलीमा बानो बेगम की कोशिशों से अपनी दादी के अमरा शहंशाह अकबर की खिदमत में हाजिर होकर माफ़ी मांगी और सुलह की, लेकिन ताल्लुकात अच्छे न हो सके। शहजादा खुसरू अपने दादा अकबर के मजहब का हामी था, यही वजह उसके शहंशाह बनने में रुकावट बनी। और हज़रत मुजद्दद अलिफ सानी के मुरीद उमरा, जिनमें शेख फरीद, अब्दुल रहीम खान खाना, सैयद सदर जमाल और
निहायत खान ने शहजादा सलीम से अहद दिया कि अगर वो तख्त नशीन होगा तो इस्लामी कवानीन की मुकम्मल पासदारी करेगा। उसकी दस्तार बंदी और ख़ानदानी तलवार देकर बाकायदा जानशीन मुकर्रर करवाया। अकबर की वफात के बाद वो नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह गाजी के लकब से तख्त नशीन हुआ और कई रोज तक जश्न मनाया। कैदियों को रिहा किया, अपने नाम का सिक्का जारी किया, मुखालफीन से नरमी बरती, अबुल फजल के बेटे को 2000 मनसब पर तरक्की दी। बादशाह ने खूब रंग रलियाँ मनाई, लेकिन सल्तनत में जो फौरी असलाहत नाफिज की वो कुछ यूं थी। चुंगी और दीगर इलाकाई जागीरदाराना मुहासिल मनसूख कर दिए। सड़कें, मसाजिद, कुएं और सरायें तामीर करवाने का हुक्म दिया। शराब और तमाम नशावर अशिया की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी, अगरचे ये पाबंदी अवाम के लिए थी। विरासत के कवानीन पर सख्ती से अमल का हुक्म दिया। सरकारी शिफाखाने हर शहर में बनाने और मुफ्त इलाज का हुक्म दिया। जुमेरात, हफ्ता और इतवार को जानवरों के ज़बी पर पाबंदी लगा दी। मुजरमों के नाक और कान काटने की सजाएं मंसूख कर दी। बाद अज़ान लाहौर ता आगरा सड़क के दोनों जानिब सायादार दरख्त लगाए गए। हर कोस के फासला पर एक कोस मीनार और एक कुआं तामीर करवाया। एक जंजीर अदल दरियाए जमुना के किनारे से किला आगरा के शाही महल तक बनवा दी, ताकि कोई भी उसे खींच कर बादशाह को इतला दे सके। ये 30 गज लंबी और 4 मन वजनी खालिस सोने से बनी जंजीर थी, जिसके साथ 60 घंटियां शाही महल में थीं। बादशाह खुद इस फरियादी की फरियाद सुनता। शहंशाह अकबर ने तमाम शुमाली हिंदुस्तान और जनूबी हिंदुस्तान का एक हिस्सा काबुल और कंधार पर कब्जा मजबूत कर रखा था। राजपूतों की हिमायत हासिल करके दाखिली मसाइल को कम कर दिया था। यूं जहांगीर को किसी बड़े बहरान का सामना न था। लेकिन उसे तख्तनशीन हुए 6 माह भी न गुजरे थे कि उसके बेटे खुसरू ने बगावत कर दी। लाहौर पर कब्जा करने की नाकामी के बाद जालंधर के करीब हिरुदाल पर जंग में खुसरू की शिकस्त और एक बड़ी खूनरेजी के साथ इस बगावत का इख्तिताम हुआ। जहांगीर ने शहजादा खुसरू को गिरफ्तार करके एक हिंदू सरदार अनी राय की निगरानी में दे दिया, जिसे बाद अज़ां शहजादा खुर्रम उर्फ शाहजहां ने कत्ल कर दिया। शहजादा सलीम और नूर जहां की शादी एक अलग दास्तान है। मुख्तसर ये कि शाह ईरान के एक गवर्नर ख्वाजा शरीफ का बेटा गयासुद्दीन अपनी बीवी बच्चों के साथ दिलावतन होकर दर बदर होता हुआ दरबार अकबर तक पहुंच गया। उसकी बीवी शाही मल्लात में दाखिल हो गई और बेटी मेहरुन्निसा जो जाज़बे नज़र, हसीन और तालीम याफ्ता फनकाराना ज़ौक के साथ ज़हानत, जुर्रत और तंजीमी सलाहियत से माला माल थी, वह भी मल्लात में मकबूल हो गई। यहाँ शहजादा सलीम से उसका तारुफ हुआ जब उसने फूल तोड़ने के लिए अपने 2 कबूतर मेहरुन्निसा को पकड़ाए। एक कबूतर उड़ जाने पर सलीम ने पूछा, ये कैसे उड़ गया? तो मेहरुन्निसा ने मासूमियत से दूसरा भी हाथों से छोड़ दिया और कहा कि यूं उड़ गया। इस बेसाख्तापन पर शहजादा सलीम फिदा हो गया। मिर्ज़ा गयास ने शहंशाह अकबर के दबाव पर अपनी बेटी की शादी ईरानी मुहाजर अली कुली खान से कर दी, जो मुगल फौज में कमांडर था, जिसे अकबर ने बुर्दवान का सूबेदार बनाकर बंगाल भेज दिया और यूं मेहरुन्निसा और शहजादा सलीम जुदा हो गए। लेकिन ये मोहब्बत चिंगारी बनी रही और बादशाह बनते ही उसने अली कुली खान को रास्ते से हटाने के लिए साजिश से उसका मुकाबला शेर से करवाया। लेकिन वो शेर को मारकर शेर अफगुन का खिताब भी ले गया। अब शहंशाह जहांगीर ने अपने खास आदमी कुतुबुद्दीन को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा और अली कुली पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर उसे कत्ल कर दिया। इसके ख़ानदान को नज़रें बंद करके आगरा भेज दिया। शहंशाह जहांगीर ने शादी का पैगाम भिजवाया, लेकिन मेहरुन्निसा ने इनकार कर दिया। आखिर 4 साल की मेहनत और चालों के बाद वो अपनी माँ के ज़रिए मेहरुन्निसा को मनाने में कामयाब हुआ। मई 1611 में इनकी शादी हो गई। शहंशाह जहांगीर ने उसे पहले नूर महल और फिर नूरजहां का खिताब दिया। नूरजहां ने बादशाह की दीवानगी का भरपूर फ़ायदा उठाया।
उसके बाप मिर्ज़ा गयास को एतमादुद्दौला और भाई अबुल हसन को आसिफ जाह का खिताब मिला। 1622 तक वो अपने वालिद के ज़ेरे असर रही और रियासत के उमूर में बहुत बड़े मसाइल न हुए, लेकिन उसके बाद नूरजहाँ ने सियासी इख्तियारात पर मुकम्मल कब्ज़ा करने की कोशिश की और अपने भाई आसिफ जाह से भी तसादम का रास्ता इख्तियार किया। आसिफ खान की बेटी की शादी शहनशाह जहांगीर के बेटे शाहजहाँ से हुई, जबकि नूरजहाँ की बेटी जो शेर अफगन अली कुली खान से थी, लाडली बेगम की शादी शहनशाह जहांगीर के छोटे बेटे शेरियार से हुई। नूरजहाँ अपने दामाद को शहनशाह बनवाना चाहती थी, जबकि आसिफ खान अपने दामाद शाहजहाँ को तख्त पर देखना चाहता था। इस चपकलिश ने चंद सालों में मौलिया सल्तनत के जाहो जलाल की बुनियादें हिला कर रख दी। इससे पेशतर शहजादा खुसरू के कत्ल में भी नूरजहाँ का अहम किरदार था। जहांगीर के दौर के आखिरी सालों में नूरजहाँ ने शाहजहाँ को हुक्म जारी करवा दिया कि वो कंधार चला जाए। वो सूरत हाल से आगाह था कि उसे दारुल हुकूमत से दूर भेजने का मकसद तख्त पर कब्जा है, इसलिए उसने कंधार जाने से इनकार कर दिया। 1623 में शाहजहाँ और शाही फौज में तसादम हुआ और उसका अहम हामी राजपूत राजा बुकरम मजीद मारा गया। शाहजहाँ को दक्कन फरार होना पड़ा। नहायत मुश्किल वक्त गुजार कर बिलाखिर बंगाल और बहार पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। ओदपुर और अलाहाबाद पर हमला किया और शिकस्त खाई। शाहजहाँ को कामयाबी की कोई सूरत नजर न आई तो उसने अपने बाप शहनशाह जहांगीर से माफ़ी मांग ली। उसकी खुशकिस्मती थी कि महाबत खान की कुव्वत बढ़ती जा रही थी, जिसे रोकने के लिए नूरजहाँ ने भी उसकी हिमायत की और उसे माफ़ कर दिया गया। महाबत खान शहजादा परवेज का हामी था। नूरजहाँ ने उसे रास्ता से हटाने के लिए हुक्म जारी करवाया कि वो बुरहानपुर में शहजादा परवेज को छोड़कर दारुल हुकूमत आ जाए। यहाँ आकर महाबत खान पर बंगाल से हासिल करदा माले गनीमत में बददियानती और गबन के इल्ज़ाम लगा दिए गए। उसके दामाद के साथ भी नूरजहाँ ने तोहीन आमेज सलूक किया। महाबत खान ने दिल बर्दाश्ता होकर 5,000 राजपूत सवारों के साथ शहनशाह जहांगीर पर हमला कर दिया, जो उस वक्त काबुल जा रहा था। शाही खेमे को घेर कर जहांगीर को कैद कर लिया गया। नूरजहाँ ने वहाँ फौज के साथ आकर जंग की कोशिश की, लेकिन दरियाए जेहलम के किनारे फौज फंस गई, क्योंकि राजपूत सिपाही उन पर तीर बरसा कर दरिया पार करने से रोक देते। यूं शाही फौज भाग खड़ी हुई। वो ठट्टा की तरफ बढ़े तो शाहजहाँ ने उनका खजाना लूट लिया। महाबत खान के लिए बगैर वसाइल लड़ना मुश्किल था, इसलिए वो दक्कन की तरफ चला गया। यूं शहनशाह जहांगीर को उसकी कैद से रिहाई मिली। दक्कन जाकर महाबत खान ने शहनशाह जहांगीर से सुलह का मुआहदा कर लिया। नूरजहाँ शहनशाह जहांगीर की वफात के 18 बरस बाद तक शाही किला लाहौर में क्याम पजीर रही। शाहजहाँ ने सालाना 2,00,000 रुपये वजीफा मुकर्रर किया। उसके मामूलात में रोज़ाना शोहर की कब्र पर फातह खाने के लिए जाना और गरीब यतीम लड़कियों की तालीम और शादी का एहतमाम करना शामिल था। नूरजहाँ ने अपनी ज़िंदगी में अपने अखराजात से लाहौर में अपने भाई के मकबरे के करीब मकबरा तामीर करवाया और वहीं दफन हुई। नूरजहाँ ने गुलाब का इत्र, पान में चूने का इस्तेमाल, चांदनी का फर्श, नए दिल फरेब फैशन, लिबास के नए डिज़ाइन, रेशम व सूती कपड़ों और जेवरात के नए नमूने तख्लीक किए और दरबार शाही को आरास्ता करके उसकी शान और दिलकशी में इजाफा किया। जहांगीर के दौर के 10वें साल पंजाब में एक नहायत मोहलिक वबा फैली और लाहौर भी उसकी जद में आया। सारा इलाका उजड़ गया, हजारों गांव बर्बाद हो गए। ये बीमारी तकरीबन 2 साल तक रही। उसे कोई ख़ास किस्म का जहर कहा गया, जिसकी वजह से फजा में बीमारी फैल गई। शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर अपने बाप अकबर के दीन इलाही पर तो न था, लेकिन वो क्या मज़हब रखता था इस पर कसीर आ रहा है। उसने हज़रत मुजद्दद अलफ सानी की मुखालफत पर उनको कैद भी किया। हज़रत मियाँ मीर जो लाहौर के सूफी बुजुर्ग थे, उनकी अकीदत और उनके इल्म व फजल की वजह से
शहंशाह जहांगीर उनसे मुलाकात करने का बहुत ख्वाहिशमंद था और उम्र के आखिरी वक्त खुद लाहौर न जा सकने की वजह से मियां मीर को अपनी हुकूमत के 14वें साल आगरा तशरीफ लाने की दावत दी। दूर अंदेश बुजुर्ग ने दावत कबूल की और बादशाह को पिंदो नसाए किए। बादशाह ने ताजीम की और तहाइफ में हिरन की खाल से बनी जाय नमाज पेश की। मार्च 1628 में गिरती हुई सेहत के पेश नज़र तबीबों ने सेहत अफजा मकाम कश्मीर जाने का मशवरा दिया। वहां बादशाह की दमा की बीमारी शदीद हो गई, कमजोरी इस कदर हो गई कि उठाकर पालकी में बिठाया जाता। अंगूरों की शराब के चंद कतरों के सिवा कुछ खा पी न सकता था। इस मायूस कुन सूरत हाल में वो वापस आगरा के लिए रवाना हुआ। राजौरी के मकाम पर सेहत सख्त खराब हो गई। कई रोज जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद बिलाखिर 28 अक्टूबर 1628 को शहंशाह जहांगीर वफात पा गया और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक दरियाए रावी के किनारे नूरजहां के बाग में उसको दफन किया गया। सामने कराम, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।